मध्य भारत के बुंदेलखंड में बसा हुआ ये मेरा गांव है। बाहर से ये छोटा लग सकता है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी दुनिया है। मेरे चारों ओर बदलाव हो रहा है, बेहतर खेती की तकनीकें अधिक फसलें पैदा कर रही हैं। मेरे गांव के लोगों द्वारा उठाए गए कदमों से हमारे पानी की समस्याओं का समाधान हो रहा है। यहाँ सभी अब सशक्त हैं। मेरा गांव बदल गया है, अब ये मेरे सपनों का घर है। लेकिन मेरा गांव हमेशा से ऐसा नहीं था। बुंदेलखंड में जीवन पहले कठिन था। पुरजोर गरीबी और आम सुविधाओं की कमी पूरे क्षेत्र को कमजोर करती थी। खेती बाड़ी हमेशा से बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रही है, लेकिन आवर्ती सूखा, कम भूमि उत्पादकता और तीव्र जल तनाव के कारण बुंदेलखंड में जीविका बेहद मुश्किल थी। यहाँ का पानी खारा है और पानी का लेवल है जो काफी गहरा, काफी नीचे चला गया है, इसलिए ज्यादा दिक्कत आ रही। मगर जैसे कि कहा गया है कि वक्त के साथ बदलाव आता है, तो हमारा गांव भी बदला जब हमारा गांव हम तक पहुंचा। हमारा गांव समुदाय का आंदोलन है, हमारा आंदोलन है। ये पर्यावरण को अपना बनाने और संसाधनों को बेहतर तरीके से संचालित करने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की पहल है। जैसे आप एक ही टैंकर गांव में काढ़े या दो टैंकर निकालते हैं, इसका प्रावधान हो तो तब भी पानी की व्यवस्था हो सकती है। जी जरा कछुआ लगाइए तो बता दूंगा जो काटा है। वे आग लग रही है इतने अब उन्हें हटने है अगर तो नहीं बांधे ना खोजो ने हैंडपंप पालो हैंडपंप कॉलोनी में है जो हैंडपंप से धराने चलती है। ग्राम पंचायत द्वारा सर्वप्रथम सफाई स्वच्छ अभियान चलाया, गांव में साफ सफाई की व्यवस्था की, तो एक दूसरे का सहयोग किया। तारा ग्राम वालों ने भी सहयोग दिया, जो हमारी समिति बनी है उसने भी सहयोग किया। तो हमें आज के दिन हमारी ग्राम पंचायत ODF है, 100% 386 शौचालय परिवार हैं। वो पहले की अपेक्षा आज के वर्धन जीवन में बहुत बदलाव है। जो महिलाएँ सिर पर खड़े रख के चलती थी, पानी एक डेढ़ किलोमीटर से लेकर आती, वो नहीं करना पड़ रहा है, थोड़े यहीं उपलब्ध हो रहा है गाँव में। बेहतर और संतुलित जीविका ने एक प्रबल और मजबूत समुदाय का निर्माण किया। मेरा नाम जमुना देवी, हम जो काम 12 साल से कर रही है, बदला ऐसे दिखाया कि कितों भी मजूरी कर भी नहीं जाते हैं, अपने घर पे रहते हैं तो अपने जेब में काम चलता है हमारा। बच्चन को अपने देखभाली करते हैं, पढ़ाते लिखाते, अपने घर अपने समारे, अपने कुल की मजूरी नहीं जात कर भी। पहले बहुत बुआ में हते हैं, बहुत गरीबी, हम बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है, समूह में जुड़ के हम। परिवर्तन की ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कोई भी सुविधाओं से वंचित न रहे। समुदाय के विकास को आगे ले जाने के लिए लोगों के अनुकूल संस्थानों का निर्माण, ज्ञान का प्रसार और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के निर्माण को सुनिश्चित किया गया। इसके साथ ही स्थानीय शासन प्रणाली को मजबूत करने और क्रेडिट और वित्त तक लोगों की पहुंच को सक्षम करने का काम भी किया गया है। नमस्ते, नमस्ते। इतना ही नहीं, हमारा गांव कार्यक्रम न्याय नीति को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करता है। कार्यक्रम महिलाओं के स्व सहायता समूहों को मजबूत करता है। बच्चों और युवाओं को भी बाल पंचायतों जैसे उपकरणों के माध्यम से बदलाव की इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रोटी मोटी बना ले, सब ढाक के रख दी, सब्जी मब्जी वगैरह ढाक के सब रख दी, मक्खी गेंदा से बीमारी। इस अवधारणा में समुदाय के साथ मिलकर काम करना शामिल है, कल्याण का 3 गुना मॉडल बनाने के लिए। इससे गांव में हर किसी के लिए एक बेहतर वातावरण, बेहतर अर्थव्यवस्था और सामाजिक कल्याण होगा। इसके लिए कौशल का निर्माण करने, समुदाय को प्रौद्योगिकी तक पहुंचने और उनके वित्त और बाजार संबंधों को बढ़ाने में भी मदद की आवश्यकता है। किस भी कछु भी हुए तो समूह सपोर्ट कर देता है। समूह में जुड़वे की जैसे बहुत कठिनाई होती, फिर जुड़वे के बाद फिर हमें इज्जी सुविधा मिल गई कि जैसे समूह में पैसा है हमारे 10-12 भाइयों को 50-50 रुपए का, और जैसे सदस्य में कोई को बच्चों को तकलीफ हो गई के सदस्य को हो गई के डिलीवरी हो गई तो समूह में से तुरंत लेके और तुरंत अपने दिखवा लो।
गांव के विकास की वजह से उनके माँ बाप में जो जागरूकता आई उस वजह से भी बच्चों में जागरूकता आई है और बच्चों की काफी विद्यालय में उपस्थिति बढ़ी हुई है। यह लोगों को गरीबी के चक्र से बाहर निकलने में मदद करने के लिए एक कुशल मॉडल बनाया गया है। हर जगह हर कोई गर्व के साथ घोषित करता है कि उन्होंने अपने भविष्य को बेहतर रूप दिया है। ये सिर्फ मेरा गांव नहीं है, ये हमारा गांव है। हमारा गांव।